गाइज सबैलाई वेलकम छ, वेलकम ब्याक टु दाजुभाइ ब्लगमा चाहिँ आज डुलुवाको यात्रा चाहिँ लखनऊसम्मको। अब यो यात्रामा चाहिँ यसो सुनौलीबाट एसीवाला बस हेर्दै एसीवाला बस बिन्दास सुतेर बिन्दास सुतेर यो छ पोजिसन होइन, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ सर र अगाडि राखेर। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ, भनेको हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ हामी लखनऊसम्म। यो चाहिँ ट्राभल भ्लगमा चाहिँ मेमोरीको रूपमा चाहिँ दाजुभाइको मेमोरीको रूपमा चाहिँ रहनेछ होइन, बुढेसकालमा बसेर यसो दाजुभाइ यसरी हिँड्नु थियो पहिला पहिला एकचोटि दिन भनेर भन्नलाई। र यो ट्राभल भ्लगमा चाहिँ हामी अब कुन कुन ठाउँमा आज राति बसाइ के हुन्छ होइन, भोलि हाम्रो लखनऊसम्मको एउटा सानो एउटा काम छ, त्यो काम सकिसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ, अब चेयरिङ गरिन्छ या होइन सेयरिङ गरिन्छ के हुन्छ, सबै कुराहरू चाहिँ हामी देखाउँदै जानेछौँ। ल किपु वासिङ है, यतापट्टि हुनुहुन्छ मेरो फुल दाई साउट दाई, अब यो म माइलो भाइ भइहाल्यो, अब कान्छौँ उहीँ छौँ, अब ठुलो भयो त सानो भयो यसो हेर्दै गर्नु होला। आजको हाम्रो चाहिँ ट्राभलहरू हुनेछ र हेरौँ भोलि बिहानसम्म कहाँसम्म पुगिरहेछ र बाँकी रहेको यात्राहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। यो डुलुवा युट्युब च्यानलमा चाहिँ हेरेर स्टे गरेर चाहिँ बस्दिनको निम्ति धेरै धेरै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी गोरखपुरमा छौँ, बडा मस्त सुति सुति चिसो एसी बसमा सुति सुति आइयो, बिस्तारा पनि पुरा भएको, दाई भाइलाई त अझै चिट्टै परिरहेछ, त्यो अझै रातभरि बस्न सुत्न पाएको अलिक मजा आउँथ्यो, राति फेरि ड्राइभरबाट ड्राइभर बस्ने अरे नि, त्यसमा ड्राइभर बस्ने भएर सिट दियोस्, अर्को सिट पनि राम्रो छ, अब पारिपट्टि गएर सिट हुनुपर्छ, यही हो हाम्रो बस, त्यही हो यो साइडको होइन। बसको टिकटको फरक चाहिँ कतिको पऱ्यो दाइ, अस्तिको र अहिलेको यात्रामा? अस्तिको अहिलेको 100 रुपियाँ आइसी फरक पऱ्यो एकजनाको, एकजनाको है 200 रुपियाँ आइसी फरक पऱ्यो दुईजनाको। अनि आज राति खानपिन कहाँ कतिखेरसम्म यिनीहरूले रोक्दो रहेछ दाइ, यिनीहरूको के छ सिस्टम? अब गएर यसको 1.5 घन्टा भयो लगभग, 10:30-11 बजीतिर खाना खाना रोक्छ यिनीहरूले, हो भोलिजना 4 बजे 5 बजे हामीलाई लखनऊ आलमबाग बस टर्मिनल झारिदिन्छ, बस टर्मिनलमा होइन। ल ल हुन्छ दाइ हुन्छ, ल हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ गोरखपुरमा रातिको 9 बजे होइन, यो बस स्टप साइडतिर हो, चहल पहल चाहिँ एकदमै राम्रो छ, नाइट लाइफ होइन यही साइडहरूमा। लगभग सुनौलीबाट 3 घन्टाको यात्रापछि हामी गोरखपुरसम्म आउन सक्छौँ र यही गोरखपुरको यात्रा ठाउँहरूको बारेमा चाहिँ आज तपाईँहरूलाई यो ब्लगिङमा देखाउँदैछु। बस हेर्दा चाहिँ एकदम कोत्रो कोत्रो टाइपको होइन, भित्र चाहिँ एकदमै राम्रो छ, हो यो चाहिँ ठ्याक्क सेकेन्ड लास्टको चाहिँ आज हाम्रो बसाइ हुन्छ, त्यो सिटमा कम्फर्ट छ, कम्फर्ट छ एकदमै, बाहिरबाट हेर्दा बस हेर्दा चाहिँ मान्छे तर्सिन सक्छ, भित्र चाहिँ सुविधा चाहिँ राम्रो छ।
हामी नवाबों के शहर भनेर भन्ने गरिन्छ लखनऊ मा चाहिँ बिहान लगभग 4:30 बजे छ यहाँ भक्खर लखनऊ को बस टर्मिनल को छेउमा आएका छौं र बस टर्मिनल को छेउमा एकदम चिया को चुस्कीहरु यहाँको लिदै छौं यो जस्ट बिहाइन्ड मा यहाँ रहेछ अब यहाँ एकछिन चिया सिया खाऊ हैन ता उता फ्रेश हुनको लागि जानु भएको छ त्यसपछि चिया सिया खाइसकेपछि हेरौं के हुन्छ यहाँको चाहिँ सबैभन्दा अलिकति डिफरेंट लाग्ने चीज भनेको चाहिँ इन्डियन सिम छैन भने चाहिँ अलिकति समस्या हुँदो रहेछ नेट वाईफाईहरु एक्सेस गर्नको लागि बाटोमा आउने बेलामा दुई चार वटा ठाउँमा चाहिँ लगभग 24 घण्टा जस्तो बजार र रातभरि पनि नसुतिकन बसिरहेको देखियो गाडीहरुमा रिक्साहरुमा मान्छेहरु रिक्सामै सुतिरहेको यहाँ स्टेशन छ बस स्टेशन सब मान्छे यहीँ भित्रै सुतेर बसिरहेका छन् नारायण गुरुङ गरेर सायद बसको कुराएर पर्खाइ पनि होला यो कति पारिपट्टि साइडमा ट्रेन स्टेशन पनि होला जस्तो लागिरहेको छ लखनऊमा 2018 कि 19 हामी आइए थिएँ एकचोटि म लखनऊमा त्यतिखेर आउने बेलामा पनि लगभग हामी 6-7 दिन जति बसेर गएको थियौँ यसपालिको लखनऊ पनि हामी 1-2 दिन जति लखनऊमा बसिन्छ लखनऊमा काम एकदम सक्सेसफुल्ली भयो भने हामी अयोध्यातर्फ गइन्छ अयोध्याबाट अर्को दिन चाहिँ घरतिर फर्किन्छ बसमा आउने बेलामा त लगभग 5-6 घन्टाको सफर अलिक सुतै खासै भएर हेरौँ कतिसम्म हुन्छ आजको यात्रा यहाँ कृष्ण फास्टफुड भनेर यो ठ्याक्क बस टर्मिनलको पछाडिपट्टिको साइड रहेछ यो साइडमा बसेर हामी चाहिँ यसो चियाको चुसी लिँदैछ लखनऊलाई एकदमै नवाबको सहर भनेर भन्न सकिन्छ लखनऊलाई र घुम्नको लागि चाहिँ अथाह ठाउँहरू चाहिँ यो लखनऊमा छ अब जुन चाहिँ देखेर भनेर भन्न सकिने अवस्थाहरू एकदमै लिमिटेड छ अब हेर्दै जाउँ होइन के हुन्छ लखनऊबाट बिचौबिच सहरमा यसो यहाँको हामी ई रिक्सा टुकटुकै लिएर चाहिँ एउटा डिजिआईको सर्भिस सेन्टरसम्म जाँदैछ यसो देखेको चाहिँ पहिला लगभग 2-4 वर्ष पहिला चाहिँ मैले त्यो डिजिआईको सर्भिस सेन्टर यहाँ लखनऊमा छ अरे भनेर सुनेको थिएँ आज चाहिँ त्यो सर्भिस सेन्टरसम्म चाहिँ यसो जानेछौँ र सँगसँगै लखनऊको यसो भ्यूहरू हेर्नेछौँ फुटबलभन्दा त गर्मी नै रहेछ क्या त है यसो भएछ नि बाटोको छेउमा केही काचा कुचु खाएर हामी त्यहाँबाट यसो लाग्नेछ लगभग यहाँबाट चाहिँ लोकेसन चाहिँ गुगल म्यापमा चाहिँ रास्ता बंद है हाँ जी दुकान चलना है तो किधर से जाएंगे बाबूजी इधर तमांड हॉस्पिटल होकर घुमा के जाना पड़ेगा सर 5 किलोमीटर घुमा के जाना पड़ेगा बाबू 5 किलोमीटर रास्ता आने वाला आ रहा है जाने वाला नहीं आ रहा है उधर से जा रहा है उधर से अब साहब जहाँ आए हैं हम जहाँ से आए हैं उधर से वो पीछे 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 लेके चलेंगे रास्ता दिख रहा है लेकिन देखिए ना कितनी गाड़ियाँ करी है जाम लगा है काम चल रहा है सर वहाँ मौलिया पुल के नीचे ओवर ब्रिज के नीचे काम चल रहा है रेलवे आप किधर के रास्ता ले जाएंगे हम अभी आप देखिए आप देख लीजिए डिस्टेंस अभी देखिए आपको तो पहले से पता होगा इधर काम चल रहा है काम नहीं साहब आगे काम चल रहा है रात चल रहा है दिन में अभी चल रहा है फिर उधर से वहाँ तक कितने अरे साहब तेल का खाली मेरे तेल का बढ़ा दीजिएगा बाकी उतने रहेगा ये तेल का कितना हुआ ये 100 रुपये बढ़ा दीजिए 100 तो बहुत ज़्यादा हुआ 50 रुपये दे देंगे बाबू जी खाली मैं 1 किलो 1 लीटर पेट्रोल का पैसा मांग रहा हूँ आप वो तो आपने तो वो 3 से लेके फिर बार्गेनिंग करके वही 4 रुपये ही लेके गए ना आप रास्ता बंद होने 300 रुपये लेता मैं आप देखिए ना अभी अभी चलो आपका ये लोग खुद दिखाएगा कि
लो ठीक है वो चार से वो डन हुआ वो उससे ज्यादा भी नहीं दूंगा। अरे नहीं होगा साहब, अब तो हम क्या है कि आप जो पैसे बढ़ाते रहे। यहाँबाट यो ठाउँमा जाने भनेर खोइ कन्स्ट्रक्सन कामहरू के चलिरहेछ भनेर सुन गरेँ होइन, अहिले मैले अर्को रुटहरू लिएर जान्छु भनेर भनिरहेको छु। सिटी मोन्टेसरी स्कूल किधर पे है? अहिले चाहिँ यो लखनऊ स्थित क्यामेरा केयरमा चाहिँ यसो गुगलमा देखेको थिएँ, त्यहाँबाट ड्रोनहरूको मेरो चाहिँ डिजिआई म्याभिक प्रोको चाहिँ यो सानो फ्लेक्स केबल चाहिँ ड्यामेज भएको थियो, त्यसैको लागि यहाँ आएको थिएँ। र यहाँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ड्रोनको विशेष गरी रिपेयर सेन्टरहरू चाहिँ रहेछ, यहाँ चाहिँ रिपेयरको सामग्रीहरू चाहिँ सबैभन्दा बेसी, र ड्रोनहरूको चाहिँ केही प्रब्लमहरू आयो भने चाहिँ हामी सुनौलीबाट गोरखपुर हुँदै लखनऊसम्म आयो भने लखनऊमा यो ठाउँमा चाहिँ हामीले क्यामेरा केयर भन्ने ठाउँमा चाहिँ ड्रोनहरूको रिपेयर पनि हुँदो रहेछ। भोलिका दिनहरूमा यदि कसैलाई ड्रोन सम्बन्धी केही प्रब्लमहरू छ भने डाइरेक्ट तपाईँहरू यहाँ आउनु पनि सक्नुहुन्छ। म वाट्सएप नम्बर चाहिँ मेरो भिडियोको अन्तिममा छोडिदिनेछु, त्यो वाट्सएप नम्बरबाट पनि तपाईँले डाइरेक्ट म्यासेज गरेर पनि आफ्नो सामानहरू चाहिँ कुरियरबाट पनि रिसिभ गर्न सक्नुहुँदैछ। यो साइडमा यसो म देखाउँदैछु, देखिराख्नु भएको छ होइन, फ्यान्टम सिरिज डिजिआई विशेष गरी पार्ट्सहरू पनि एभाइलेबल रहेछ। र यो हो सामान जो चाहिँ मैले त्यो फ्ल्याक्स केबल गएको कारणले गर्दा लिएको थिएँ। डिजिआई कम्पनीका ड्रोनहरू र विभिन्न किसिमका केबल्सहरू गिम्बलहरू जे जति पनि प्रब्लमहरू छ त्यो सबै कुराहरू छ तपाईँहरूले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। साजी हो म्याभिक मिका वो प्रोपेलर गार्ड होइन, यसको कितना परेको छ? ₹2500 ओरिजिनल होता है, बाकी आप अमेज़न वगैरह से मंगा सकते हैं, उसपे कॉपी वाले ही मिलता है, उस पे ओरिजिनल नहीं मिलेगा, कॉपी वाले भी मिलते हैं, मुझे 2000 मिनी का उज्ज्वल है ना अपने पास, मिनी का स्टिकर ये जो पड़ेगा टोटल बॉडी और जो भी एक्सेसरीज का भी सारा साथ में कुछ भी कम ज़्यादा रहता है वैसे ₹1200 के आसपास रहता है। ₹1200 तो थोड़ा महंगा नहीं होगा साहब? तो ड्रोन का महंगा होता है, ड्रोन को ऑनलाइन ट्राई करो आप देखो महंगा वो डीजे अवतार का सब ऐसी होंगी 1500-1200 होता है क्या ना, आप ऑनलाइन ट्राई करिएगा तो बहुत बार क्या होता है उसमें आपको प्राइस दिखा दिया कि इसका है और कम है। हम लोग के पास ऐसे क्या रहता है कि ड्रोन भी है, उसका चार्जर है, बैटरी है, कंट्रोलर है, सब भी साथ में होती है। वो मैविक प्रो का बैटरी नहीं क्या बैटरी नहीं है उसका, बहुत बैटरी का प्रॉब्लम है क्या साहब जी? बैटरी में दिक्कत आती है, बैटरी तो नहीं है वो मेरे पास, वो तीन तीन बैटरी था, दो का कुछ सूजन हो गया था। So
नेपालमा 8000 छ त्यसको दाम यो फ्ल्याक्सको त्यही पनि अझै आउनु छ आएपछि बल्ल यताउति गरिदिन्छु भनेर भन्यो एउटा चाहिँ त्यो स्मलवाला रहेछ 9000 भनेको त मोटामोटी त्यही पऱ्यो हजुरको 16000 को आसपास में पड़े ए 13-14000 को आसपास में पड़े यही पछाड़ीपटी को बैकग्राउंड में देखना सकूँ यो अब यहाँ डीजीआई को कैमरा केयर सेंटर है माथिपटी साइड में इंडिकेट कर दुईवटा साइड में तब देख सकूँ अयोध्या राम मंदिर में राम मंदिर को द्वार सम्म आइपुगेका छौ खतरे बना रहे हमी से अयोध्या मंदिर सम्म आइपुगेका छौ पछाड़ी यहाँ है 2 किलोमीटर जति को यात्रा में दाजु भाई भिडियो बनाउँदै सरर अयोध्या को बाटो में भाई कस्तो लागिरहेछ त हामी बनाएको नि त है हो कसलाई तपाईँ मलाई जय श्री राम गरेँ त्यो जय श्री रामको पोलमा अलि अगाडि अगाडि गएर खिच्दै खिच्दै जाउँ ल है पारिपट्टि हो ठिकै हो यसो अलिअलि खुट्टा पनि तनाक तुरुङ तन्किन्छ भने एक्स्ट्रा किन भएन र उयो बसमा काँक्रा कुकुर गरेर बस्ने मात्र काम भइरहेछ ए त यताबाट जाने हो कि यहीँबाट जाने त्यही बाटो ठिक रहेछ हेर पाउँछ र अयोध्याको वालहरूमा हिँड्ने क्रममा छौँ यहाँबाट लगभग चोकबाट 2 किलोमिटरभित्र गइसकेपछि अयोध्या धामसम्म जान सक्छौँ तैले भिडियो बनाउँदै बनाउँदै हुनुहुन्छ यो वालहरू चाहिँ प्रत्येक वालहरू नछोडिकन भिडियो बनाउँदै बनाउँदै जानुपर्ने जस्तो टाइपको रहेछ खिचिदिन हजुर फोटो रामको घर सीताको पनि घरतिरैबाट छौँ हामी होइन हामी चाहिँ माइती तर्फबाट आज यसो ससुरालीतर्फ तर्फ पनि यसरी सजाएर राखिएको छ हो क्या हो त्यो बाटोभरि नै 2 किलोमिटरको बाटोभरि यसरी वित्तीय चित्रहरू चाहिँ बनाएर प्रदर्शन गरेर राखिएको रहेछ अयोध्या राम मन्दिर सम्मको यस प्रणालीको ब्लगिङ यात्रामा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अयोध्या यहाँबाट लगभग 2 किलोमिटर अघि र यो बाटोभरि
वित्तीय चित्रहरू चाहिँ एकदमै राम्रो बनेको रहेछ। अब आफ्नो स्वागत हो र स्वागत माथिपट्टि बुटाहरूमा पनि कस्तो मजाको यो डेकोरेसन्सहरू देख्न सकिन्छ। वालहरूमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसरी विभिन्न किसिमका राम र सीतासित अयोध्याका कथाहरू यसरी वित्तीय चित्रमा नै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो तरिकाले। कस्तो लगाइरहेछ त यो नाइटमा आएको झन् बत्तीले झन् राम्रो बनाएको छ है हो ल भाइ त उनले नेतै गरे नि यहाँ चाहिँ सक्नुहुन्छ। हामी यो अन्डरग्राउन्ड हुँदै तलबाट जान्छ माथिपट्टिको यो साइडमा चाहिँ ट्रेन ट्रेनहरू चाहिँ यो ज यो गोरखपुरसम्मको लागि नतुनाकोसम्मको लागि देख्न सक्छौँ यसरी बनाइएको रहेछ। हिँडेरै जाने भने चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरू छ समयमा राम मन्दिर अयोध्यामा चाहिँ हामी आइसकेका छौँ। यो पछाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ भक्तजनहरूको भिडहरू र यो ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी भित्र हेर्छौँ, हेरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ लाग्नेछ। और ये सब ये करते हो 150 व्हाट ये और 150 नहीं 155 ये 150 और कुछ सब रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है गोरखपुर रेलवे स्टेसन साथीहरू होइन यसो गोरखपुरसम्म तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ सोन पापडीको लागि चाहिँ ठ्याक्क रेलवे स्टेसनको जस अगाडि कालीमाको स्टेसनको छेउमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हेलो उधर बैठे ये गोरखपुर के हाम्रो भैयाजी आपका नाम गोरखपुर रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी वाले नाम मेरा मिथुन है मिथुन जी ये चक्रवर्ती
मिथुन जी, ये आपका टैक्सी कहाँ से कहाँ तक का गोरखपुर से आप ऑल इंडिया कहीं लेके जाइए? ऑल इंडिया ये हमारी टैक्सी है, देखिए सामने खड़ी हुई है ये मेरी गाड़ी 7 सीटर। ऑल इंडिया केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री महाकाल जहाँ भी आप कहीं भी जाइए हर जगह आपको हम लेके चलेंगे, कहीं भी आप जाइए। मेरा नंबर लिख लीजिए 9651734388 ये मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर मैं ये वीडियो के नीचे रखूंगा। ओके सर, ये आप ये गंगोत्री ये हाँ यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ पूरा पैकेज करवा के लेके जाएंगे। वो पैकेज में कितना तक? वो पैकेज आपका समथिंग बनेगा, आपका बनेगा 90,000 रुपए का पैकेज। 90,000? वो आपको रास्ते में कुछ खर्चा नहीं देना है, रास्ते का आपको कुछ गाड़ी का कुछ खर्चा नहीं देना है। 90,000 में केवल आपको अपना खर्चा देखना है, बस मेरा खर्चा भी नहीं देखना है। 90,000 में गाड़ी पूरी आपको केदार गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ ऋषिकेश और उसके बाद वृंदावन। वृंदावन 90,000 में वो पर पर्सन हो गया कि नहीं? पर पर्सन है पूरी गाड़ी 90,000 में। आप पर पर्सन अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। कितने लोग आएंगे? ये समथिंग 15 दिन का टूर है। आपकी गाड़ी में? गाड़ी में 6 आदमी आराम से बैठ के जाएंगे। 6 आदमी? हाँ 6 आदमी बैठ के आराम से जाएंगे। वो खाने बैठने का क्या? वो वहाँ पे आपको होटल सब कुछ मिलता रहेगा। अभी देखिए हम केदारनाथ बद्रीनाथ होके आए हैं, अभी पिछले ही साल गए थे। ये हमारा देखिए केदारनाथ का फोटो भी है मेरा। आपके पास कार्ड शार्ड कुछ है? हाँ कार्ड नहीं, नंबर मेरा यही नंबर हम चलाते हैं सर जी, कार्ड नहीं चलाते हैं, धोखाधड़ी वाला कोई काम नहीं। मेरा यही एक ही नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, फिर मेरा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से चलता है, मिथुन शर्मा के नाम से। आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है तो फेसबुक पे भी मेरा यही आईडी है, आप किसी चीज पे हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कभी कभार इधर पे आना हुआ जो पैकेज में जाने का मन किया तो एक बार समय दीजिए, आप अवसर दीजिए सेवा करने का। स्पोर्ट्स हाउस किधर है? स्पोर्ट्स हाउस ये तो लखनऊ में आपका पड़ेगा ना? नहीं, वो स्पोर्ट्स का आइटम मिलने वाला दुकान, स्पोर्ट का आइटम गोल घर में मिलेगा। शूज वगैरह या स्पोर्ट का शूज वगैरह वगैरह चाहिए ना, बूट शूज, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी सब हम एड्रेस दे दिए हैं। हम यहाँ गोरखपुर बाट अब नौतुनासम्म को लागि आइयो, फिर ये सुनौलीसम्म को लागि फिर कति लागि होते तो हमारे पास 2 सवारी थी, हम अयोध्या से लेके आए थे। अभी हम जस्ट अयोध्या से आ रहे हैं। अयोध्या से? अयोध्या राम मंदिर अयोध्या। कल शाम हम वही, कल वही थे आप लोग? हाँ कल वही थे, कल रात में हम वही जाके और वही सो गए, सुबह अभी मॉर्निंग में आए। वो अयोध्या में प्रॉब्लम हमारा क्या हुआ, वो रहने बैठने खाने का। अरे आप हमारे साथ आइए, हम आपको लेके चलेंगे, रहने बैठने खाने सोने दर्शन हर चीज का व्यवस्था हम देंगे। नहीं वहाँ पे जो हम लोग उधर लखनऊ से डायरेक्ट वो अयोध्या गए थे। अच्छा अच्छा, लखनऊ से डायरेक्ट? अयोध्या जाने के बाद वो प्रॉब्लम क्या हुआ कि होटल बहुत महंगा बोला वो लोग। हाँ तो होटल तो महंगा तो पड़ेगा, क्योंकि अब अयोध्या जैसे अयोध्या मेन नगरी हो गई है ना सर जी, अयोध्या मेन नगरी हो गई तो इस वजह से अब वो महंगा महंगा सिटी हो गया है। चलो उसका अगर मिनिमम रेट का होटल कितने तक? 1500 तक मिनिमम। मिनिमम हाँ, वो भी एसी नहीं मिलेगा, नॉन एसी? हाँ नॉन एसी मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा। वो आगे बढ़ेगा तो आगे 500 रुपये सीट है, आगे से दो बैठते हैं, आगे का सीट आगे दो बैठते हैं, आगे दो बैठते हैं। अगाडि वाला सिट को चाहिँ 500 रुपया आएछ, पछाडि वाला सिट को चाहिँ अलि सस्तो रे। आगे दो बैठा के लेके आते हैं भाई, दोनों सीट शायद लिए होंगे अभी बैठे होंगे, ऐसी बात नहीं है। दो की 500 आगे? हाँ दो का चाहे, मतलब जैसे दो बैठाते हैं तो 300 में शेयरिंग में तो 600 हो गया, और वैसे आगे अकेले बैठेंगे तो 500 में दिए ना। ठीक है, अगाड़ी बसें पछाड़ी बसें, इन केटा थीचे छाड़ने हो पुग्नी तो गाड़ी किन्नी थोड़ी हो, अगाडि र पछाडि सिटको चाहिँ अलिकति दाम चाहिँ फरक फरक छ है। सुरुमा झुन्च्ने बेला 300 हुनसक्छ, बाटा जाँदा 350 पनि हुनसक्छ है, किनकि यो गोरखपुर हो। हिजो अहिले पाएन भने 2,000 पाएन, सवारी पाएन फेरि उसमा लान्छ, ढाडेसम्म लान्छ। केमा सवारी पाएन ढाडेसम्म लान्छ, बार्गेनिङ गऱ्यो भने हो र?
इनको चाहे सवारी हेरा फरक फरक पर्द रहे हमी गोरखपुर हेलो नौतुनासम को यात्रा में अब 9:44-45 जी समथिंग आक यहाँ बड़ा हम अगर बढ़ने क्रम में गाड़ी नंबर पढ़ाई टैक्सी में